गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज. दीज टू साइंटिस्ट वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया विच इज normally called as bacteriophage. It is important. Bacteriophage वो viruses हैं, वो specific category है virus की, जो किसको infect करते हैं? Bacteria को. देखो, आपने पढ़ा है animal viruses, plant viruses. लाइक प्लांट वायरस में टोबैको मोजाइक वायरस पड़ा है, एनिमल वायरसेस जो डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे ही जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज. इन हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफाज के साथ एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पर जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया था जिसको इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफाज, वो बैक्टीरिया कौन है? ई कोलाई. एक स्पेसिफिक नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल, ई कोलाई, एस्ट्रीचिया कोलाई. जनरली हमने पढ़ा है ई कोलाई नॉर्मली ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं, तो ई कोलाई की डिफरेंट स्ट्रेन होती हैं, कुछ बेनिफिशियल होती हैं, कुछ हार्मफुल होती हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है दे वर्क विद द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नॉर्मली कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाजेस. दे वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया. ये एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है बच्चों. उन्होंने क्या किया, एक प्रोसीजर जो एक्सपेरिमेंट का था उसको स्टार्ट करते हैं. प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं. देखो, डीएनए और प्रोटीन दोनों में से कौन सा मटीरियल जेनेटिक मटीरियल है, इसको क्लियर करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्टार्ट. तो स्टार्टिंग में क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाया कल्चर मीडिया के ऊपर, और कल्चर मीडिया के अंदर क्या था, रेडियोएक्टिव सल्फर और रेडियोएक्टिव फास्फोरस. दो वर्डिंग है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, रेडियोएक्टिव सल्फर और रेडियोएक्टिव फास्फोरस. देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डीएनए का जो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, बट हम जब बात करेंगे किसकी, प्रोटीन की, तो प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं होता. ये दो पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनने हैं. सल्फर इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन नॉट इन द डीएनए, एंड फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन. तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि फास्फोरस डीएनए में प्रेजेंट है और सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट है. तो इसी के बिहाफ पे हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन दोनों चीजों के बिहाफ पे ही कर रहे हैं. तो देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, नॉर्मली दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है. दे ग्रू सम बैक्टीरियोफाज और वायरसेस, हम वायरस भी बोल सकते हैं बिकॉज दीज आर द स्पेसिफिक वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट्स वाई बैक्टीरियोफाज. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो करवाया कल्चर मीडिया में, जिस कल्चर मीडिया में क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है. दूसरा, और इन से अलग कुछ और बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाया दूसरे मीडिया में, जिस मीडिया के अंदर क्या था, रेडियोएक्टिव फास्फोरस. सो दे ग्रू द बैक्टीरियोफाज और वायरसेस इन कल्चर मीडिया कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सल्फर एंड सम अदर बैक्टीरियोफाज इन द मीडिया कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, जिस मीडिया के अंदर सल्फर था वो सल्फर बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन कोट का हिस्सा बन गया, और जिस मीडिया के अंदर फास्फोरस था वो किसका हिस्सा हो गया, वो डीएनए का. तो अब अगर हम कहें तो हम कहेंगे द वायरसेस विच वर ग्रोन इन द
मीडिया कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सल्फर दे जनरली दे पोजेसिस द रेडियोएक्टिव सल्फर इन देयर प्रोटीन कैप्सूल एंड अदर बैक्टीरियोफाज विच वर ग्रोन इन मीडिया कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस. तो उस कंडीशन में क्या हुआ, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस किसका पार्ट बन गया, डीएनए का. दैट मीन इट विल इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द डीएनए. सो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लेबल डीएनए. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखो, फर्स्ट बैक्टीरियोफाज दिस बैक्टीरियोफाज, इस बैक्टीरियोफाज में क्या दिखा रखा है, रेड कलर और ब्लैक कलर, दो अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया. ऐसा कुछ नहीं कि रेड कलर होता है या फिर ब्लैक कलर होता है, ये सिर्फ आपको डिस्टिंग्यूश करवाया है कि जो फर्स्ट बैक्टीरियोफाज की कॉलोनी थी उनको जो ग्रो करवाया, उनको ग्रो करवाया हमने रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडिया में, तो वहां पे क्या हो गया, रेडियोएक्टिव लेबल प्रोटीन कैप्सूल. देखो थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज. इट इज द आउटर कोट, आउटर कवरिंग. ये किसकी बनी होती है, इट इज कंप्राइज ऑफ प्रोटीन. एंड सेकेंड जो बात करते हैं, इसके अंदर होता है डीएनए, जो ये होता है डीएनए. तो क्योंकि इन बैक्टीरियोफाज के अंदर दोनों कंपोनेंट है प्रोटीन और डीएनए, इसलिए हमने इनको सिलेक्ट किया ताकि हम ये पता लगा सकें कि इस बैक्टीरियोफाज से प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होगा या फिर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होगा. अगर प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा, अगर डीएनए ट्रांसफर हुआ तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा. यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता करना है. तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा जिन बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाया रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडिया में, उनमें क्या हो गया, प्रोटीन कैप्सूल और प्रोटीन कोट, वो क्या हो गया, रेडियोएक्टिव लेबल्ड. ठीक है. और जिन बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाया किसमें, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडिया में, उनमें क्या हो गया, उनका जो डीएनए था वो क्या हो गया, रेडियोएक्टिव. तो हम अब यहां से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अगर मैं दोनों के अंदर सेम एक वर्डिंग बोलूं, दोनों को नॉर्मली कर देता हूं, रेडियोएक्टिविटी वाली कंडीशन लेता ही नहीं हूं, तो फिर वहां पे हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस से प्रोटीन कोट जाएगा या फिर डीएनए जाएगा. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसको क्या किया, रेडियोएक्टिव लेबलिंग कर दी. ठीक है. देखो एक एग्जांपल बताता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए. हमारे पास क्या है, एक बकेट है. ठीक है. उस बकेट के अंदर क्या है, बहुत सारी रेड कलर की बॉल्स हैं. ठीक है. अब मैं आप में से किसी एक बच्चे को बुलाता हूं और मैं कहता हूं इस बकेट से एक बॉल को निकालो. ठीक है. और उसके बाद मैं बोलता हूं इसको वापस उस बकेट में डाल दो, वापस सेम उसी बकेट में. इन बॉल का साइज, इन बॉल का कलर बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम. तो क्या होगा, मैंने वापस इसी में डलवा दी वो बॉल. अब क्या करेंगे, अगर मैं उसी बच्चे को दोबारा बोलता हूं कि आप सेम बॉल को वापस निकाल के बताओ, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं कहूं इनका कलर, इनका साइज, सब कुछ, डायमेंशन, सब कुछ सेम है, तो यहां पे प्रॉब्लम होगी सेम बॉल को निकालने में, नहीं निकल पाएगी. बहुत बहुत रेयरली चांस होगा, बट इम्पॉसिबल लगाओ इस चीज को. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, सेम बच्चे को दोबारा बुलाता हूं और फिर मैं कहता हूं अब आप एक बॉल को निकालो यहां से. उसके बाद उस बॉल को निकालने के बाद मैं बोलता हूं इस बॉल के ऊपर अपना जो पर्टिकुलर बॉल है उस बॉल के ऊपर अपना नाम मेंशन कर दो. तो मतलब क्या कर दिया, एक मार्क लगा दिया उस बॉल के ऊपर. अब मैं बोलता हूं इस बॉल को वापस कहां डाल दे, इस बकेट में. अब दोबारा उसी बच्चे से फिर बोला जाता है कि आप वही बॉल निकालो जो अभी आपको बोली थी कि निकालने के लिए. तो अब क्या होगा, क्योंकि
यहाँ पर सभी बोल सेम कलर, सेम साइज, सब कुछ सेम है, बट एक बोल के अंदर क्या हो गया, एक बोल के अंदर मार्क कर दिया। तो अब यहाँ पर उन बोल को मिक्स करने के बाद भी हम उस बोल को इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये उनसे डिफ्रेंशिएट कर गई किसके बिहाफ पे, एक छोटे से मार्क के बिहाफ पे। वही चीज यहाँ पे की है, यहाँ पे रेडियोएक्टिव जो सल्फर और रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है, ये क्या कर दिया, ये मार्कर का काम कर रहा है। यहाँ एक मार्क कर दिया कि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो थोड़ा अलग है, इसके अंदर क्या है डीएनए अलग है। बैक्टीरियोफेज तो सेम है ना, ठीक है, बट इनमें क्या चेंज कर दिया, एक में प्रोटीन को लेबल कर दिया, एक में डीएनए। वही सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे बताया, फर्स्ट टाइम बोल में कोई मार्क नहीं किया, सेकंड टाइम बोल में मार्क कर दिया, तो इजिली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं और इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें पता लगेगा कि इन्फेक्शन ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन तीन स्टेप्स के थ्रू आपको ये एक्सपेरिमेंट बताना है, ये था बेसिक कंसेप्ट। तो प्रोसीजर में क्या होगा, प्रोसीजर में यहां पे तीन स्टेप है बच्चों। फर्स्ट वन इज द इन्फेक्शन, ठीक है। सबसे पहला जो मैंने बेसिक प्रोसीजर का पार्ट था वो बता दिया, कैसे लेबलिंग करी प्रोटीन की, कैसे लेबलिंग करी डीएनए की। उसके बाद जो यहां पे डायग्रामेटिकली शो कर रखा आपको, तो आप चेक करो, देखो फर्स्टली मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम है, सेकंड स्टेप दोनों में सेम है, और थर्ड स्टेप दोनों में सेम है। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं इन्फेक्शन, आपको डायरेक्ट लिखना होता है जब भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है आपसे कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ हर्से चेज एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताना होता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है, इन्फेक्शन का मतलब ये है जिन बैक्टीरियोफेज को हमने लेबल्ड कर लिया है, अब उनको हम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ दीज बैक्टीरियोफेज वर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल, दिस इज द बैक्टीरियल सेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ईकोलाई, ईकोलाई इज द एस्चेरिचिया कोलाई नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है, उसको इन्फेक्ट किसने किया, बैक्टीरियोफेज ने। सेम प्रोसीजर यहां पे है, यहां भी क्या किया है, दोनों केसेस में बैक्टीरियोफेज वर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। सो बैक्टीरियोफेज और वायरस वर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। फर्स्ट सिंपल सा पॉइंट है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बैक्टीरिया के साथ वायरसेस को छोड़ दिया, एंड वो वायरस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बैक्टीरियोफेज बोला था, ठीक है, ये रहा। वो स्पेसिफिक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो जब वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया किसको, बैक्टीरिया को, तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे सेम अटैचमेंट हुई। अब अटैचमेंट के बाद देखो यहां पर इसके अंदर इसका डीएनए है जो, ठीक है, और इसके अंदर डीएनए नहीं दिखाया क्योंकि यहां से ना डीएनए कहां चला गया है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर, और इसमें थोड़ा सा इस डीएनए के पार्ट को दिखा रखा है कि यहां से इन्फेक्शन हुआ है, अटैचमेंट हुई है, उसके बाद इसका डीएनए ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया है। सेम केस यहां पे इसका डीएनए है जो रेडियोएक्टिव डीएनए है वो अंदर जाना स्टार्ट हो चुका है, और यहां से क्या हो गया, ये दोनों केसेस में आपको डीएनए की एंट्री अंदर दिखाई गई है। सेकंड जो सेकंड केस है बच्चों, वो सेकंड केस क्या है, उसको बोलते हैं दिस वन इज द सेकंड, ठीक है, दिस इज द थर्ड। तो सेकंड केस में क्या कहेंगे, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या है, यहां पर इसको ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं इसी के बिहाफ पे, तो वो भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, हर्से चेज ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, वो ब्लेंडिंग के बिहाफ पे। ब्लेंडिंग में क्या करना है, जो ये अटैचमेंट हुई थी ना बैक्टीरियोफेज की बैक्टीरियल सेल के साथ, अब इनको ब्लेंडर की हेल्प से एजिटेशन किया जाता है, देवर एजिटेटेड विद ब्लेंडर सो दैट इनके बीच का जो कनेक्शन है, मतलब जो ये आपस में अटैच हुए थे, सॉरी जो बैक्टीरियोफेज अटैच हुआ था बैक्टीरियल सेल के साथ, ये बैक्टीरियोफेज क्या हो जाए, इससे डिटैच हो जाए, इससे सेपरेट हो जाए। सो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट का जो पार्ट है वो ब्लेंडिंग में कुछ नहीं है, द बैक्टीरियल सेल
वर एजिटेटेड सो दैट देर विल बी सेपरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियल सेल. सो थर्ड सी पार्ट दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सी इज द सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री लैब में भी देखा हो, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है. उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी के बिहाव पे मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं. हैवी मतलब उसमें क्या होता है, एक फिक्स कर देते हैं रोटेशन आरपीएम, तो रोटेशन पर मिनट बोलते हैं आरपीएम को. तो हो सकता है आपने देखा हो कहीं लैब के अंदर भी देखा हो, जहाँ पे ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, उनको ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं, उसके बाद वहाँ से सेपरेट करके टेस्टिंग की जाती है. वही सेम केस, ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूज के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको जो फाज पार्टिकल, बैक्टीरियल फाज पार्टिकल और बैक्टीरियल सेल जो अभी सेपरेट हो चुके हैं, उनको जो बिल्कुल अभी ब्लेंडिंग की हेल्प से हमने इनको क्या किया, अलग अलग कर दिया. अब इनको ना बिल्कुल सेपरेट करना है, ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का थर्ड स्टेप कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन से बैक्टीरियल सेल और दूसरा फाज पार्टिकल को सेपरेट करेंगे. सो बच्चों देखो, जो हमने सेकंड स्टेप ब्लेंडिंग बोला, उसके बाद थर्ड स्टेप जो है ना वो सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन यू कैन से दैट सेंट्रीफ्यूगेशन एक सिंपल सी एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन. उसके थ्रू क्या करेंगे हम इन बैक्टीरिया फाज जो है उसको सेपरेट करेंगे बैक्टीरिया से, उनको स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं. रोटेशन के थ्रू क्या होती है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन. तो थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन. देखो सिंपल सा मैंने लिख भी दिया है, अगर आप चाहो तो, वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग. एजिटेटिंग मतलब उसको, जैसे हम घर पे ब्लेंडर यूज करते हैं ना, जैसे जूस बनाने के लिए, जैसे भी आप नॉर्मली आपने देखा होगा हैंड ब्लेंडर यूज करते हैं, उस टाइप से उसको एजिटेट करना है, ठीक है, देम इन ब्लेंडर. देन सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, स्पिनिंग के थ्रू उनको घुमा के सेपरेट किया जाता है, किसको, बैक्टीरियल सेल को और फाज पार्टिकल को, या फिर वायरल वायरल कोट्स को. तो यहाँ पे भी लिखा, वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया. कैसे करेंगे, बाय स्पिनिंग देम, किसके अंदर, इन्हें सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, तो आपको इतना बताना है. उसके बाद सिंपल सी एक चीज देखो, यहाँ पे जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था, अटैचमेंट जिनके साथ किसकी हुई थी, वो वायरस जिनका रेडियोएक्टिव लेवल क्या है, प्रोटीन. द वायरसेस और बैक्टीरियोफाज विद रेडियोएक्टिव लेवल प्रोटीन कैप्सूल, दे इन्फेक्ट नॉर्मल बैक्टीरियल सेल, ठीक है. नॉर्मल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, सेम यहाँ पे रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लेवल डीएनए वाले बैक्टीरियोफाज ने नॉर्मल बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट किया. बाद में जब लास्ट में रिजल्ट देखा, कब, आफ्टर सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज मशीन के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद क्या देखा रिजल्ट, There was no radioactivity, or we can say that no radioactive sulfur S35 detected in the cell. कौन सी cell? Bacteria cell. जो ये इस bacteria cell के अंदर देखो, कोई भी red color, क्योंकि हमने radioactivity को किसके through show कर रखा है, red color के through. तो यहाँ पे कोई भी radioactivity कहाँ नहीं मिली, bacteria की cell के अंदर. दूसरा case, जब ये वाला second case की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या देख रखा है, यहाँ पे radioactive P32 डिटेक्टेड इन द सेल्स. तो यहाँ पे आप चेक करो रेडियो एक्टिविटी को कैसे, रेड मार्कर से मेंशन कर रखा है. तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी वाली कंडीशन किसके अंदर मिली है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर. और वायरस कोट जो ब्लैक कलर से मेंशन करके, मतलब उसके साथ कोई भी रेडियो एक्टिविटी अटैच नहीं है, मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन टू द कैप्सूल. यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली, सुपर नेटेंट. जब हम सेपरेट करते हैं तो जैसे डेंसिटी के बिहाव पे एक चीज नीचे रह जाए एक ऊपर, तो जो सुपर नेटेंट था उसके अंदर क्या मिली, रेडियो एक्टिविटी. तो अब इसके बाद आपको कंक्लूजन, प्रोसीजर में तो तीन स्टेप है, प्रोसीजर को मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ एक मिनट के अंदर. फर्स्ट जो बैक्टीरिया फाज जिनका डीएनए और प्रोटीन अलग अलग हमने लेबल किया है, तो सबसे पहले जिनका प्रोटीन कोट लेबल किया सल्फर, क्योंकि सल्फर इज द
कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, दीज आर द अमीनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर, और अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो इन अमीनो एसिड्स में क्या होता है, सल्फर कंटेंट। तो जो सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर है, वो कहाँ पर इनकॉर्पोरेट होगा, इन अमीनो एसिड के अंदर, जिसके बाद क्या होगा, उसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट वर्डिंग, जब इनको क्या किया, देवर अलाउड टू अटैच, देखो अटैचमेंट दिखा रखी है, ये जुड़ गए हैं इसके साथ बैक्टीरिया की सेल, तो देवर अलाउड टू इन्फेक्ट, बोलो यहाँ पे आप अटैच भी लिख सकते हो, अटैच विद द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में आप बताना चाहो तो ई कोलाई। ठीक है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया यूज किया था वो क्या था, एस्ट्रीचिया कोलाई। देन सेकेंड स्टेप, जब अटैचमेंट होगी तो इसके बाद क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, नॉर्मली डीएनए जो यहां से ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया में, भी पता है बट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बताना है, तो वो जब ट्रांसफर होगा उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या करना है, ब्लेंडर की हेल्प से हमने इनको एजिटेशन के थ्रू क्या करना है, सेपरेट कर देना है। तो इन दोनों में क्या, देखो डिटैचमेंट दिखा दी, पहले अटैच दिखाए, फिर इन दोनों को सेपरेट कर दिया। दूसरी बात, इसके बाद इनको तीसरे स्टेप में क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज के हेल्प से इनको घुमा के सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और इनको क्या कर दिया, बिल्कुल दोनों को सेपरेट। तो सुपरनेटेंट में जो आया और नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में जो आया, उसके बिहाव पे हमने बताना। तो कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन क्या थी इस प्रोसीजर के बाद, वो बता रहा हूं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखो क्या है, वो है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। जो मैंने अभी आपको बताया है वो वही चीज क्या है, ओनली रेडियो एक्टिव, ये कंक्लूजन यहां से लिखा हूं मैं, ठीक है, थर्ड स्टेप के बाद, जो ओनली रेडियो एक्टिव P32 जब यहां पे देखोगे, यहां पे रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन और वाज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल सेल। यहां पे चेक करो, लिखा हुआ रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन द सेल, सो इट इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल। बट अगर बात करोगे वेयर एज नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल, इन केस ऑफ जो आपने बैक्टीरियोफाज लिए थे जिनके अंदर रेडियो एक्टिव लेवल क्या था, प्रोटीन कोट या प्रोटीन कैप्सूल बोल सकते हैं, वेयर एज रेडियो एक्टिव S35 वाज ओनली फाउंड इन सराउंडिंग मतलब ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर नहीं मिला, ये कहां मिला, सुपरनेटेंट, रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। एंड नॉट इन बैक्टीरियल सेल। सो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर मैं कहूं तो सीधा सा, इट वॉज द DNA विच वॉज ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियोफाज टू द वायरस टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज टू द बैक्टीरिया बोल सकते हो या फिर वायरस टू द बैक्टीरिया बोल सकते हो। तो देखो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दे वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वॉज प्रोटीन और DNA, उन्होंने इस चीज की डिस्कवरी करनी थी। इन्होंने इन साइंटिस्ट ने इन दोनों ने क्या किया था, का जो काम किया था उससे ये पता लगाना था कि ये प्रोटीन है या DNA है जो वायरस से बैक्टीरिया में एंटर करता है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जो भी बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है, दैट मीन्स वायरस से, बैक्टीरियोफाज से जो मटेरियल, प्रोटीन या फिर इसका DNA जो भी एंटर करेगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, दैट विल बी द जेनेटिक मटेरियल। सो
इट वॉज द डीएनए दैट वॉज फाउंड और दैट वॉज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल नॉट विद द नॉट इन द सराउंडिंग मीडियम और वी कैन से दैट ठीक है. तो दे प्रूव्ड that DNA is genetic material, not the protein. अब protein और DNA के confusion को दूर किसने कर दिया? इन दोनों साइंटिस्ट ने. जो ग्रीफिथ था, ग्रीफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसमें मटेरियल के बारे में ये नहीं बताया था कि वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, वो कुछ नहीं पता था. बट इन दोनों ने क्या कर दिया, अब जो कन्फ्यूजन था, जो साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे, जो बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे, उनको क्या कर दिया, टोटली कन्विंस कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन नहीं है. ठीक है, थैंक यू बच्चों.